आजकल दी दुनिया तक कोई एतबार नहीं, आज तू यार मेरा कल तू। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, मैं हूं प्रदीप गुनसोला और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में और हमारे इस नए ब्लॉग में। तो आज बहुत दिनों बाद में ब्लॉग कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा बिजी हो गया था अपनी पर्सनल लाइफ में और थोड़ा तबीयत भी ख़राब थी, तो इसलिए ब्लॉग नहीं आ पाए हैं और आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने नए ब्लॉग को लेकर। तो आज है 5 फरवरी और आज है वसंत पंचमी भी, तो वसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो आज वसंत पंचमी का दिन है, तो आज शादी का दिन भी है। तो हमारे गाँव में एक शादी है भाई की, चाचा के लड़के की, तो फिलहाल हमारी तैयारी है शादी में जाने की। आज है बारात वाला दिन, तो बहुत दिनों बाद 3-4 दिन से पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो आज बड़ी मुश्किल से मौसम साफ हुआ है, मस्त वाली धूप आ रखी है और सामने पीड़ी पर्वत की तरफ पहाड़ों में हल्की हल्की बर्फ भी पड़ी है और मस्त वाला सीन है। सुबह सुबह टाइम लगभग 11 बजने को है और रात शायद घर से प्रस्थान करने वाले थोड़ी देर में। तो बारात जा रही है पोखाल गाँव में, तो देखते हैं कैसा है, कैसे जो भी रहेगा आज का सीन आप लोगों के साथ और आप लोग सब मजे लेंगे इस शादी का। और हमारे साथ आ रहे हैं शादी में ये है रजत और ये है हमारे गनी चाचा, इनको आपने पहले भी देखा होगा किसी वीडियोस में। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से और देखते हैं क्या क्या होता है आज। हाँ भाई साहब आज शादी, और जैसे हम घर पर पहुँचे रात बिल्कुल प्रस्थान करने को तैयार थी क्योंकि हम लेट हो चुके थे पहले ही। बाकी ये यहाँ पे थोड़ा तैयार है दूल्हे के लिए और हमारे दूल्हे राजा अभी आ रहे हैं छत से, कहाँ है दिखाई नहीं दे रही। बाकी ये भाई साहब हमारे दूल्हे राजा भी बिल्कुल घोड़े में बैठने लिए तैयार। आइए आइए, हेलो 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 हेलो,
तो भाई साहब स्वागत है आपका पोखाल गांव में, और यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हो इन प्यारे प्यारे खेतों से, जहाँ सरसों के फूल मस्त मस्त दिखाई दे रहे हैं गेहूं की फसलों के बीच में, गेहूं की फसल के बीच में प्यारे प्यारे सरसों के फूल जो बहुत मस्त लग रहे हैं। यहाँ आ रखे हैं घूमने के लिए, बाकी रात थोड़ी देर बाद जाने वाले अपने घर की तरफ, हम भी जाने वाले घर की तरफ, क्योंकि सूर्य हो गया अस्त और पहाड़ी हो गए मस्त। गड़ी गैंग दोस्तों, बसंत पंचमी आज शुरू हो चुकी है, और बसंत पंचमी के शुभारंभ का मतलब होता है कि बसंत जो ऋतुराज बसंत होता है उसका आगमन, और बसंत ऋतु में हमारा डांडी कांठे में प्यारा प्यारा फूल खिल जन। आज भी हम जैसा का बरात में हमने देखिए बिल्कुल कुंगड़े में लय का प्यारा प्यारा फूल खिले, हमने बोले खिले नहीं हो फूल को दीदार करी जो। और प्रीतम भरतवाण जी को कुछ समय पहले ही बसंत पंचमी का अवसर बहुत प्यारो गीत रिलीज हुए थे श्री नाम पंचमी का नौसी, मेरा दगड़ी उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध उभरता लोक कलाकार मेरा परम मित्र गणेश लस्याल जी भी छन। तो आज हम बसंत पंचमी के ये मौके पर प्रीतम भरतवाणी की गीत की चंद पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँ, आशा करता हूँ आपने पसंद आली। जरूर। अरे श्री नाम पंचमी आली बेद्वालोले माजी, मैं तकी डांडियों देखी खुद लेगे बाबा जी पठे माँ जी। मकरण संग रांद बौड़ी आली बेटी बारी लुकारी मैं तोड़ो आली जाली, जोकी जवई माया की पात्यों न खोड़ी सजे माजी। श्री नाम पंचमी आली बेद्वालो ले माजी, मैं तकी डांडियों देखी खुद लेंगे बाबा जी पठे माँ जी, बाबा जी पठे इधर मेरी धरती में जन्म निले हमूना अपुते बड़ो भागी मैं मन दाऊं मेरे सुभाग मैं पहाड़ी चाऊं, ये मातृभूमि त्वे शीश नऊ पावन मेरो उत्तराखंड गढ़ भूमि मेरो गढ़ देश, पावन मेरो उत्तराखंड गढ़ भूमि मेरो गढ़ देश, सौ बार मिलो जन्म ई भूमि मा, सौ बार मिलो जन्म ई भूमि मा, ये छे आखिरी ख्वेस। पावन मेरो उत्तराखंड गढ़ भूमि मेरो गढ़ देश, पावन मेरो उत्तराखंड। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बसंत पंचमी आपके सभी के जीवन में खुशहाली और ढेर सारी खुशियों की साक्षी बने ऐसी हमारी कामना। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, दोनों भाई और गणेश लाल जी का। इस ब्लॉग का बहुत इंतजार रहेगा।